हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये पिंक शिमर आई मेकअप लुक। आई रियली होप कि आपको पसंद आएगा, तो चलिए देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ लैक्मे 925 सीसी क्रीम, और ये बहुत ही अमेजिंग क्रीम है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है और काफ़ी अच्छी क्रीम है। अब मैं ये ग्लैम 21 फेस पाउडर है, ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है, इसे अच्छे से सेट कर लूँगी सीसी क्रीम को। कॉम्पैक्ट समर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप एक बार ज़रूर लगाएं इसे। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ हुडा ब्यूटी के पैलेट से ये पिंक कलर का शेड लूँगी, और इसे अच्छे से अपनी क्रीज लाइन पर लगाऊँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और ये काफ़ी अच्छा पैलेट है, इसमें आपको सभी तरह के शेड्स मिल जाते हैं और हाइलाइटर शेड भी मिल जाता है आपको, और काफ़ी अच्छा पैलेट है ये, काफ़ी पिगमेंटेड है इसके शेड्स, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ इसी से ये हाइलाइटर शेड ले रही हूँ, ये है सिल्वर शेड है ये। आप इसे चाहे तो ऐसा हाइलाइटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आई शेडो की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने दोनों आईज़ पर ये शेड अच्छे से लगा लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मार्स आई शेडो पैलेट से ये पिंक कलर का शेड पिक करूँगी, और ये शिमर शेड है, इसे भी मैं अपनी आईलिड पर लगा लूँगी अच्छे से। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ म्यूज़िक फ्लावर जेल आईलाइनर, और इसे मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी अच्छे से, और ये काफ़ी अच्छा जेल आईलाइनर है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक ये एंगुलर ब्लश ले रही हूँ, और इसकी हेल्प से मैं ये हुडा ब्यूटी के पैलेट से डार्क बगंडी शेड है ये, इसे मैं अपने आउटर वी पर लगा लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ फेसिस कैनेडा का काजल, और इसकी हेल्प से मैं अपना आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी। इसे आप एज अ आईलाइनर भी लगा सकते हैं, और काजल तो ये है ही, ये बहुत ही अच्छा काजल है गाइस। ये बहुत ही ज़्यादा वाटरप्रूफ है, स्मच प्रूफ है, और जल्दी से बहता नहीं है आपकी आईलिड से, तो ये इसकी खास बात है। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये काजल, मेरा फेवरेट भी है, और 150 रुपीज़ के प्राइस में मुझे ये ऑनलाइन मिल गया था, तो आप भी एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स चलते रहते हैं समर्स के लिए, ये वाला काजल बहुत ही। और अब मैं इसे अपनी लोअर लैश लाइन पर लगा लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबेलिन का मस्कारा, और ये भी मस्कारा बहुत अच्छा है, ये मस्कारा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, ये मेरा करंट फेवरेट है, और बहुत ही अच्छा मस्कारा है गाइज, आपकी लैशेस को ये बहुत ही अच्छी लेंथ देता है। और अब मैं लगाऊंगी ब्लश। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लिप लाइनर। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का मेकअप फिक्सर, और ये बहुत ही अच्छा सेटिंग स्प्रे है गाइस, इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अक्सर क्या होता है कि जब भी आप हाइलाइटर लगाते हैं ना, तो हाइलाइटर के बाद जब आप मेकअप फिक्सर लगाते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो छिप जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर हाइलाइटर बाद में लगाया है, इससे आपका हाइलाइटर छुपेगा नहीं। और मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ अपने ब्राउज बोन पे, और अपने इनर कॉर्नर में लगा लूँगी आईज़ के।
नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हुडा ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक है, ये बहुत ही प्यारा बरगंडी कलर है और कैमरा में हो सकता है आपको थोड़ा सा पिंक शेड में नजर आएगी। और यहाँ पर मैंने अपने इयररिंग्स डाल लिए हैं और हेयर स्टाइल गाइज आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो देखा आपने गाइज कितना अच्छा आप मेकअप कर सकते हैं। आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और गाइज आप मुझे अपने प्यारे प्यारे सजेशंस ज़रूर दीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। मैं जल्दी ही आपके लिए और भी हेल्पफुल वीडियोज़ लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।